मेरा भारत, मेरी सांस्कृतिक, मेरी मिसाल, मेरी पहचान, सब कुछ मेरा भारत है। मेरा भारत मेरे तिरंगा की आन बान शान है। हमेशा ऊंचे पर्वतों पर मेरी तिरंगा लहराता रहे, मेरी भारत की शान लहराती रहे। भारत की शान मैं हूँ, भारत की सांस्कृतिक मैं हूँ, भारत की पहचान मैं हूँ, मैं हूँ क्रेडिबली इंडिया। नमस्कार, मैं लालचंद सोनी। लगातार हमारी रिपोर्टिंग आप देख रहे हैं। हम आपको जगाने के लिए आया हूँ। जिस तरह से आप जानते हैं कि कोरोना काल में समस्या ही समस्या लोगों के पास, चाहे माध्यम वर्ग के लोग हों, चाहे पिछड़े हों, सभी लोग आज जो है त्रस्त हैं। आइए हम जानते हैं, हमारे साथ अंकल जी हैं, लगातार बताएंगे किस तरह से जो है कोरोना काल में समस्या हुई है। सरकार को इस तरह से ध्यान रखने की जरूरत है। जो गरीब हैं, आज जो है अनाज तो मिल रहा है, लेकिन अनाज जो मिल रहा है राशन के आधार पर मिल रहा है। जो वैसे यहाँ पर रह रहे हैं वो भूखे आज हैं और कल भी भूखे थे। तो आइए हम जानते हैं कल जी, जी कोरोना काल में इस तरह से आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा समस्या हुई है लोगों का। तरह तरह के लोग समस्या यातायात को देखने की, और लोग घंटे तक वेट करते रहते हैं, फिर भी बस से नीचे वापस जाना पड़ जाता है बेचारे को, लेकिन प्रॉब्लम है। बस आप ध्यान में राशन सब समस्या है ही नहीं, तो देखिए कितने आदमी नीचे मर गए होंगे। ड्यूटी नहीं है, लेकिन ड्यूटी करेंगे तो आपको बहुत आदमी मरेंगे पड़ेंगे, उनका मतलब इससे नौकरिया होगा। जिस तरह से देख रहा हूँ कोरोना काल में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी फैली है, लोग काम धंधा है नहीं, इसलिए आप क्या कर सकते हैं? मैं अपनी बात बता सकता हूँ कि मैं आज 7 महीने से देखता हूँ, परफेक्ट कंपनी का चक्कर लगाता हूँ, कहीं काम नहीं मिलता है। जब कंपनी के बारे में पता करता हूँ तो पता चलता है कि कंपनी ही बंद हो गई। अब रोजगार के बारे में क्या कर सकता हूँ? आज तक लोग थोड़ा बहुत काम भी जाते हैं, कंपनी के पास नहीं देखते तो कंपनी से नहीं भी सकते। और सर तो कैसे गुजारा हुआ, जिस तरह से आप फ्रीलांसर काम कर रहे हैं तो कैसे गुजारा हो रहा है आप? इनके लिए ले लेकर के इसी तरह चला रहा हूँ। बहुत सी जमीन जो आपका अपना घर है, किराया नहीं, किराया का घर है। अच्छा, कहाँ कहाँ रहते हैं? हाँ, बदलते रहते हैं, बदलते हैं। ठीक है, तो माता मालिक के पैसे परेशान करता है कि अगर 5 तारीख को पेमेंट देना है, 5 तारीख को आप नहीं दिए तो 6 तारीख का 7 तारीख का आपका अल्टीमेटम दे देगा, 8 तारीख को आपका घर का जितना सामान है फिर वार्निंग करता है, बार बार करता है। तरह से सरकार जो है केजरीवाल बोले कि परेशान न करें, तो कितना अभी तक आपके मानवता के तौर पर, हम सरकारी बात खोल देते हैं, मानवता के तौर पर उन्हें भी पता है कि कोरोना काल चल रहा है, काम धंधा नहीं है, और ऑफिस में जाना वहाँ से नहीं, कर्मचारी भी जाने जा रहे हैं और कोई काम धंधा नहीं है, तो देखते हुए मानवता के आधार पर मकान मालिक को क्या सुझाव आप दे सकते हैं? मकान मालिक को यही सुझाव दे सकते हैं कि इतना व्यवहार मत करें, आज कमा करके लोग उसको देता ही था और देता ही रहेगा, कई घर में रहता है उसको ही देता था, नीचे आस पास ही देता था, लेकिन आज अगर ये परिस्थिति हुई है तो यह उसको समझना चाहिए, समझना चाहिए परिस्थिति का रास्ता बनता है उनको भी होना चाहिए। और ये ऐसा वो सोचते नहीं है, मकान मालिक ऐसा सोचते नहीं है, इसलिए समझते कि हमारा पैसा ले लिया, ये बिहारी है, फल्ला जगह है, फल्ला है, चिल्ला है, अगर कहीं लेके भाग गया तो हमारा गया। मकान मालिक जो हमेशा उसके सब चीज़ पर ध्यान नज़र दिलाए रखता है, कहीं भाग के लिए आपको भाग के लिए ये भी समस्या आया। सरकार को इस पर क्या ध्यान रखना चाहिए? सरकार क्या कर सकती है? सरकार को अपना पिछली बार मिनिस्टर है, उनके जो करता था वो अपना बता दिए कि भाई आप उनके साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं करिएगा, अपने व्यवहार नहीं कीजिएगा, लेकिन उनके कहने से क्या हो सकता, बोलने के लिए कोई तैयार नहीं।